ए एस पी डॉट नेट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ए एस पी डॉट नेट की लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ ए एस पी डॉट नेट तो हम देखते हैं व्हाट ई नीट फॉर यू व्हाट इज एस पी डॉट नेट लाइफ साइकिल ऑफ ए एस पी डॉट नेट वाट इज एप्लीकेशन ऑफ लाइफ साइकिल एंड व्हाट इज पेज लाइफ साइकिल यह आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यह चारों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसे आप जरूर समझें तो चलो पहले देखते हैं कि ये एस नेट क्या होता है जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी ए एस नेट के बारे में वैसे ही आज भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं व्हाट इज़ ए एस पी डॉट नेट तो ए एस पी डॉट नेट इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यह सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है यह डायनामिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यह एक ओपन सोर्स है और ए एस पी डॉट नेट का फुलफॉर्म एक्टिव सर्वर पेजेस नेटवर्क अनेबल टेक्निक होता है ए डॉट नेट का एक्सटेंशन डॉट ए एक्स यह होता है ए डॉट नेट यह वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन कलरफुल वे में तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है चलो देखते हैं ए की लाइफ साइकिल के बारे में एप्लीकेशन बनाने में इसकी बहुत ही जरूरत पड़ती है ए एस पी लाइफ साइकिल की एस पी डॉट नेट फॉर एप्लीकेशन दिस स्टेप आर कॉल्ड ए एस पी डॉट नेट लाइफ साइकिल ए एस पी डॉट नेट लाइफ साइकिल दो पार्ट में डिवाइड हो गई है उसका एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और सेकंड है पेज लाइफ साइकिल तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के बारे में आखिर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल क्या है व्हाट इज एप्लीकेशन लाइफ साइकिल यूजर जब रिक्वेस्ट करता है तब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है पहले एप्लीकेशन स्टार्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन एच डी पी एप्लीकेशन डिस्पोज एंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन लाइफ साइकिल होती है तो चलो इसे सविस्तर समझते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट जब यूजर सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो एस पी डॉट नेट की एप्लीकेशन लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट नामक एक मेथड होती है जो सर्वर द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है तो चलो उसके बाद की सेकंड हम स्टेप देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन इस स्टेप में एच रिक्वेस्ट ऑल इंफॉर्मेशन करंट रिक्वेस्ट कुकी ब्राउजर इंफॉर्मेशन इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन वो कंटेन करता है यानी कि यूजर द्वारा भेजा हुआ संदेश उसके बाद उसका रिस्पांस रिक्वेस्ट यह देखता है उसके बाद एच एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हेल्प टू प्रोसेस इज सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट सेंड टू द एप्लीकेशन डेट इज क्रिएटेड बाय वेब सर्वर यह ऑब्जेक्ट सर्वर द्वारा बनाया गया होता है जिसका इस्तेमाल एप्लीकेशन को भेजे गए रिक्वेस्ट में काम करना होता है जितने एप्लीकेशन है हमारे पास उतने ही ऑब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं अगर हमारे पास दो एप्लीकेशन है तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप डिस्पोज इस इवेंट को एप्लीकेशन इंस्टेंस के डिस्ट्रॉय होने से पहले कॉल किया जाता है उसके बाद एप्लीकेशन एप्लीकेशन का फाइनल पार्ट है और इसे मेमोरी में अनलोड किया जाता है एप्लीकेशन एंड इन द फाइनल पार्ट एंड इट अनलोड इन मेमरी उसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं व्हाट इज पेज लाइफ साइकिल पेज लाइफ साइकिल क्या होती है तो चलो देखते हैं जब हम ए एस पी डॉट नेट पेज को कॉल करते हैं तब यह लाइफ साइकिल विशेष स्टेप से गुजरती है और यह प्रोसेस यूजर को रिस्पॉन्स भेजे जाने से पहले की जाती है पे डॉट नेट पेज लाइफ साइकिल के विभिन्न पेज को समझते हैं तो सबसे पहला पेज रिक्वेस्ट पेज स्टार्ट पेज इनिशलाइजेशन पेज लोड वैलिडेशन उसके बाद इवेंट हैंडलिंग रिडरिंग अनलोड यह पेज लाइफ साइकिल के फेजेस है तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं पेज रिक्वेस्ट यह तब होता है जब सर्वर से पहली बार पेज की रिक्वेस्ट की जाती है जब पेज की रिक्वेस्ट की जाती है तो सर्वर यह जांचता है कि क्या यह पहली बार रिक्वेस्ट की गई है यदि ऐसा है तो उस पेज को कंपाइल करने रिस्पॉन्स को पास करने और उपयोगकर्ताओं को भेजने की आवश्यकता होती है उसके बाद पेज स्टार्ट इस फेज के बारे में बात करें तो इस दौरान रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग उन सभी सूचनाओं को रखने के लिए किया जाता है जो पेज के रिक्वेस्ट के समय भेजी गई थी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का उपयोग उन सूचनाओं को रखने के लिए किया जाता है जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को वापस भेजी जाती है उसके बाद हम बात करेंगे पेज इनिशियलाइजेशन। इस समय के दौरान एक वेब पेज पर सभी कंट्रोल इनिशियलाइज किए जाते हैं इसलिए यदि आपके पास वेब फॉर्म पर कोई लेबल टेक्स्ट बॉक्स या कोई अन्य कंट्रोल है तो उन सभी को इनिशियलाइज किया जाता है उसके बाद पेज लोड यह तब होता है जब पेज वास्तव में डिफॉल्ट वैल्यू से भरा हुआ हो यदि किसी टेस्ट बॉक्स में डिफॉल्ट वैल्यू है तो पेज लोड होते समय उसी वैल्यू को लोड किया जाता है उसके बाद वैलिडेशन कभी कभी फॉर्म पर वैलिडेशन सेट किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक वैलिडेशन ऐसा हो सकता है जिसमें एक लिस्ट बॉक्स में वैल्यू को सेट किया चाहिए यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो पेज लोड करने में आनी चाहिए यह वैलिडेशन होता है उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग के बारे में यदि पेज को फिर से लोड किया जाता है तो यह इवेंट शुरू हो जाता है कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि उपयोगकर्ता पेज पर सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो इस स्थिति में फिर से वही पेज डिस्प्ले किया जाता है ऐसे मामले में पोस्ट बैक इवेंट हैंडलर को कॉल किया जाता है उसके बाद की फेज है, फेज, पेज है पेज रिडरिंग यह रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन उपयोगकर्ता को भेजे जाने से ठीक पहले होता है फॉर्मों की सभी जानकारियाँ सेव कर ली जाती है और रिजल्ट को कंप्लीट वेब पेज के रूप में उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र को भेजा जाता है उसके बाद अनलोड उपयोगकर्ता को पेज की आउटपुट भेजे जाने के बाद एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म ऑब्जेक्ट को मेमोरी में, में रखने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए अनलोडिंग प्रोसेस में मेमोरी में, में, में सभी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को निकालना शामिल है